न कानून को हाथ में लेने का डर और ना ही हत्या के बाद होने वाली सजा का डर। सुशासन राज का ये नया बिहार है, जहां पहले तो हत्या करने वाला अपराधी निर्भीक होकर हत्या करता है और फिर गलती से ग्रामीणों के हाथ लग जाए तो वो भी पुलिस के हवाले नहीं करते, बल्कि फैसला ऑन द स्पॉट करते हैं, हत्या के बदले हत्या। रविवार को देर शाम मोतीपुर थाना क्षेत्र के पहाड़चक गांव में दवा दुकानदार बच्चा किशोर दुबे की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। परिवार को और जब ग्रामीणों को पता चला कि यह हत्या लालमोहन मांझी ने की है, तो हजारों की संख्या में लोग आरोपी के घर पर हमला बोल देते हैं और पीट पीट कर हत्या कर देते हैं। दवा धाकर गए दुकान पर, कोई मैनेजर बैठा हुआ था दवा देने के लिए, लेने के लिए, और गए अब पीछे से वार कर दिया। वार किया, उसे झगड़ा उगड़ा कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, घर द्वार है कुछ नहीं, बॉट होना है उसे जन बन है, कुछ कारण नहीं हमको समझ में आ रहा है। जानकारी हाला हुई, पहुंचे वहाँ गोदी में उनको धरे, मानसिक तनाव उसका जो है डिस्टर्ब था पहले से, वही जो है से नवल किशोर दुबे, और ग्रामीण का भीड़ हुआ, और भीड़ होकर जो है से उसके घर पर लोग चोर चोर कर क्या कर दिया, कोस आरकोस में जो है 5,000 से ऊपर लोग था, 3-4 गांव का लोग था। वहीं इस घटना को लेकर पुलिस की माने तो उस गांव में अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है, पुलिस बल लगातार गाँव में तैनात है। मोतीपुर में कल जो घटना घटी है उसमें बच्चा किशोर दुबे नाम के जो व्यक्ति हैं उनकी हत्या कर दी गई लालमोहन मांझी के द्वारा। कुछ पूर्व के विवाद को लेकर के हत्या की गई, अचानक ये घटना घटी और इसके आक्रोश में जो वहाँ पे लोग थे कुछ लोगों द्वारा जो है लालमोहन मांझी को मारपीट किया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। दो हत्या मोतीपुर में हो गई जी, मोतीपुर साहब और थाना मोतीपुर, गाँव का नाम पहाड़चक। एक और घटना मुजफ्फरपुर में घटी, मोतीपुर का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि पारू थाना क्षेत्र के बहदीनपुर गांव में दो युवकों की हत्या की वारदात सामने आई। जानकारी के मुताबिक विजय कुमार की सड़क पर ट्रक से टक्कर की वजह से जान चली गई। विजय को पहचानने वाले दो युवक उसका डेड बॉडी लेकर जब रात को बहदीनपुर गाँव पहुंचे तो मृतक के परिजनों ने युवकों से पूछताछ शुरू कर दी। इस पूछताछ में जब युवक घिर गए तो उसके बाद घर के लोगों ने पीट पीट कर युवक को मार दिया। इस पिटाई में एक युवक की मौत हुई है और दूसरा गंभीर रूप से जख्मी है। तीन गो जो लड़का था वो तीनों दोस्त था, उसको कहीं से घूम घूम के आ रहा था तो रास्ता में इस गाड़ी से, तीनों की गाड़ी में था ये, इस गाड़ी से उतरा जो विजय कुमार है, और उसी दरमियान बगल से कोई गाड़ी आया चड़क उसको धक्का मार दिया, तो उसको सब लेके मुन्ना जो है उसको लेके आया, माँ जानकी में लेके आया हॉस्पिटल में, तो यहाँ से वो मौत हो गया। जाके उसको घर लेके गया, उसको वहाँ पे उसको घर वाला दिया, उसको घर वाला और ग्रामीण मिल के उसको पब्लिक में मार दिया। वहीं इस घटना के बाद पारू थाना पुलिस दलबल के साथ बहदीनपुर पहुंची तो परिजनों ने विजय की डेड बॉडी पुलिस को देने से इनकार कर दिया। SDPO सरैया राजेश शर्मा ने परिजनों को मना लिया, जिसके बाद पुलिस ने विजय के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पारू थाना अंतर्गत जो है विजय भगत नाम के एक व्यक्ति के मारपीट कर हत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस जब वहां पहुंची तो उनके परिजनों द्वारा आरोप लगाया गया कि ये इनको चाकू मार के हत्या कर दिया है उसके साथियों द्वारा। अभी तक की जानकारी में जो है ये रोड एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ मामला पाया जा रहा है, तथापि हम लोग इस संबंध में पूरी गहनता से जाँच कर लड़के की तो पीट पीट कर हाँ, और इसके बाद उसके जो दो साथी थे उसको गाँव वालों द्वारा पकड़ लिया गया था, उसमें एक भागने का प्रयास कर रहा था जैसा बताया गया, उसको जो है वहाँ लोगों द्वारा मारपीट किया गया जिससे उसकी मौत हो गई। तो आपने देखा कि मुजफ्फरपुर जिले में किस तरह से चार चार हत्याएं एक रात में हुई है। इससे साफ जाहिर होता है कि सुशासन की राज का इकबाल खत्म हो गया है या पुलिस का डर लोगों से समाप्त हो गया है। ऐसे में इस लगातार हो रही हत्याओं पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा, बिहार तक।